Hello and welcome back once again to Steven Sir makes it easy, where me Steven Sir tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter. Handle and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request. Please get connected to the Telegram channel above, join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day. As well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture and most importantly if you have missed out the past tense that is the last lecture there is an i button given above please click it watch that particular lecture and then you can come here very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवेंस मेक्स इट ईजी में जहाँ पर आज हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लेवल का महाराष्ट्र बोर्ड का जो ओ का सब्जेक्ट है उसमें जो तीसरा चैप्टर है ऑन्तोप्रनरशिप डेवलपमेंट जब भी ये वर्ड लेता हूँ थोड़ा हमेशा मैं हिचकिचाता हूँ बट आई होप प्रोनाशिएशन सही है अलग लोग अलग अलग टाइप्स में इसका प्रोनांसिएशन करते हैं चलेगा जो हम भी बोलते हैं ओके हमने पिछली बार ये आ, सीखा कि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है पहला ध्यान चैप्टर का था कि ऑन्त्रोप्रूनर कौन है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए मतलब एक इंडिविजुअल पे ध्यान था क्योंकि एक इंडिविजुअल एक अकेला आदमी एक अकेला इंसान एक मैडम ओके, एक ऑन्त्रप्रनर बन सकते हैं और ऑन्त्रप्रनर बनने के लिए क्या खूबियाँ आप में होनी चाहिए बट ये जो सब्जेक्ट का ये टॉपिक है ये है ऑन्ट्रप्रूनरशिप डेवलपमेंट पे अभी ये ऑंट्रप्रूनरशिप ऑब्वियसली ऑन्ट्रप्रोनर के वर्ड से ही आता है बट उसका मतलब क्या होता है कि एक नए बिजनेस की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट करना वो कैसे होता है उसके लिए आप में क्या गुण होने चाहिए वो हम आगे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है ये आज से हम शुरू करेंगे ओके मतलब ऑन्ट्रप्रूनरशिप डेवलपमेंट यहां पे जो आपको थ्री पॉइंट एट में नजर आ रहा है उसका मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम आज ध्यान देंगे ओके इसके पहले ऑन्ट्रप्रोनर का डेफिनेशन अलग अलग लोगों अलग अलग डिक्शनरी uh, के द्वारा हमने कर लिया है आज हमारा ध्यान खास करके ऑन्ट्रप्रोनरशिप डेवलपमेंट पे है तो मतलब क्या है इसका अगर आप ऊपर पढ़ो इज अ पर्पजफुल एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट मत वट डू यू मीन बाय पर्पसफुल जान बूझ कर ऐसे नहीं कि हो गया मैं तो ऐसे ही बैठा था हो गया नहीं पर्पसफुल मतलब एक प्लैंड एक्टिविटी ओके मैंने स्टेप वन से लेके स्टेप टेन तक सारा कुछ प्लान करके रख दिया है सारा कुछ प्रोसेस मैंने समझ लिया है दैट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स व्हाट डज दैट मीन एक अकेला भी ये काम कर सकता है या उसके साथ में दस या पंद्रह या बीस लोग तो आप पीछे ऑब्वियसली यहाँ पे वोमेन uh, ऑन्ट्रप्रनर्स है वहाँ पर कुछ नौजवान ऑन्ट्रप्रोनर्स है ओके okay? तो या तो आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो ऑब्वियसली अकेले में मेहनत तो ज़्यादा है ही बट समय भी ज़्यादा लग जाता है तो अगर दस या बारह या आठ या सात लोग इकट्ठा आते हैं तो रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और वो जो बिजनेस आइडिया है उसे आगे रियलिटी में असलियत में लाना थोड़ा जल्दी हो सकता है ओके अंडरटेकन टू इनिशिएट मेंटेन एन एग्रेंडाइज प्रॉफिट मतलब हम प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर्स है उसे एक साथ में लेकर आएंगे और उससे कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर के लिए भी कुछ हो सके और हमारा भी हम प्रॉफिट इसमें कमा सके तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑन्ट्रप्रोनरशिप डेवलपमेंट आज हमारा खास करके जो ध्यान है वो वुमेन ऑन्ट्रप्रोनर पे है इक्वली देर आर मेन ऑन्ट्रप्रोनर ऑल्सो

आई के सेक्टर में ओके काफ़ी हो रहा है मतलब क्या है कि देर आर मैनी पीपल जो एक साथ आ रहे हैं और उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड ओके ए से कनेक्टेड ये जो चीज़ें हैं इसके हेल्प के साथ में वो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं कोई ना कोई नया एप्लीकेशन एंड्रॉयड आईओएस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं इनोवेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन्ट्रोप्रूनरशिप डेवलपमेंट कि मतलब एक ऑन्त्रोप्रोनर का अगर आगे जाके विकास होना है सबसे पहली बात पुराना प्रोडक्ट नहीं कुछ नया प्रोडक्ट आप इनोवेट करो वो नया प्रोडक्ट कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है ओके okay? बट तो उसमें कुछ नया होना चाहिए या पुराना प्रोडक्ट बट उसका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका नया होना चाहिए जिसके वजह से ऑटोमेटिकली टाइम वक्त और जो एफर्ट्स है वो बच जाए तो इनोवेशन जो है सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं बट प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हो सकता है सो so, इन द कोविड टाइम्स उसके पहले काफ़ी लोग ऐसा सोचते थे कि सिर्फ अगर ऑफिस जाए तो ही काम हो सकता है तो ही प्रोजेक्ट हो सकता है तो ही वह हाँ डेडलाइन पे काम डिलीवर किया जा सकता है बट देन कोविड की वजह से लोग घर पे बैठने लगे घर से काम करने लगे और जिनका काम घर से हो पाता है उन्होंने इनोवेट किया प्रोसेस को बातचीत करने के तरीके को ओके okay, प्रोजेक्ट के डेडलाइन को कंप्लीट करने को प्रोसेसेस में बदलाव लाए काम चलता रहा अभी तो काम और बेहतर रूप से हो रहा है सो so, इनोवेशन सबसे पहला प्रोडक्ट में या तो प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट और डिलीवरिंग द प्रोडक्ट उसमें होना जरूरी है द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन्ट्रप्रोनरशिप डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ना वॉट डू यू मीन बाई एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कि देखो भाई ऐसा काम हो रहा है जिसके वजह से जो लाइवलीहुड है पैसा कमाने की केपेबिलिटी हमारी भी बढ़ रही है और उसके वजह से कस्टमर्स को जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी बढ़िया है सो so, कहा है एन एनपूर्ण प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स उनकी जरूरत well के हिसाब से ही फील्स द नीड ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट एज वेल एज इन एक्सचेंज टू अर्न अ बेटी बेटर ऐसा प्रोडक्ट बनाया ऐसी सर्विस की मेरी स्थापना की एस्टेब्लिशमेंट किया जिसके वजह से जो कस्टमर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो ही रही है बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मैं दया धर्म कर रहा हूं हाँ भाई अपना भी जो लाइवलीहुड है अपना भी जीवन है अच्छे से कट रहा है तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऐसा एक्टिविटी हो जिसकी वजह से मेरा भी भला कस्टमर का भी भला और इस पूरे देश का भी भला बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटी हो सके ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग देखिए हर एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाना एक साथ बनाए रखना और एक ही दिशा में लेकर जाना ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है और उसके अलावा अगर प्रोडक्शन का मामला है तो काफी यूटिलिटीज को एक ट्रैक पर रखना पड़ता है भले वो प्लेस यूटिलिटी हो ये थोड़ी इकोनॉमिक्स की चर्चा हो रही है टाइम यूटिलिटी हो फॉर्म यूटिलिटी हो अगर ये सारे यूटिलिटीज को एक साथ एक जगह पर एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेकर आया जाए तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग है स्थापना जो है वो किया जा सकता है तो ये ऑन्ट्रप्रोनरशिप डेवलपमेंट में होना जरूरी है क्रिएटिव एक्टिविटी ये बहुत बहुत जरूरी है आप अगर किसी भी आर्टिस्ट को देखो हुँ? तो अगर कोई YouTube चैनल आप देखते हो जो एक आर्टिस्ट मैनेज करता है तो हर एक नए वीडियो में कुछ ना कुछ नया रचा जाता है हुँ? तो आपने सोचा ही नहीं होगा अरे ऐसा भी हो सकता है मतलब इसने एक मोबाइल लिया और उसके पीछे के बैक कवर पे बढ़िया सा डिज़ाइन बना दिया इसने एक कपड़े का टुकड़ा लिया और पता नहीं कैसे कुछ नया डिज़ाइन ही बना दिया एक नए स्टाइल का ही उसने इन्वेंशन कर लिया इसने अपने घर के अंदर दीवार पर खिड़की पर कांच या मिरर पर कुछ ना कुछ नया नया अजीब और कुछ काफ़ी मन भावना डिज़ाइन बनाया है तो ये एक आर्टिस्ट की समझ है उसको क्रिएटिव होना पड़ता है वो पुरानी ही चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो यूट्यूब वीडियो बना रहा है तो कौन आएगा देखने के लिए पुरानी चीज़ें क्रिएटिव तो एक डेवलपमेंट में भी क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है कि पुराने वाली गाड़ी ना चलाए पर नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी नई तरीके से चलाना आप सीखे पुराने प्रोडक्शन के तरीके आप नए तरीके से बनाना सीखे तो ये क्रिएटिविटी का जो जरूरत है या क्रिएटिविटी का कीड़ा होना जरूरी है मेन इट कम्स टू ऑंट्रप्रूनरशिप ओके आगे जाके अगली खूबी आप बोल सकते हो ऑंट्रप्रोनरशिप के अंदर मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप क्योंकि एक ऑन्ट्रप्रोनर जो होता है ना वो जब एक नया प्रोडक्ट सर्विस कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज आपको जो कहना है जब वो शुरू करने की कोशिश करता है एवरी ओके यू कैन नॉट डू हंड्रेड टास्क टूगेदर मुश्किल होता है तो उसमें ये स्किल होना ज़रूरी है किसका मैनेजरियल स्किल अब मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट के साथ में बात करना अपने आइडिया को उन तक पहुंचाना, ताकि क्योंकि एक ऑन्त्रप्रनर आइडिया अपने पास रख सकता है बट उसको एक्चुअली uh, क्या करना है uh, बनाया किस तरह जाना चाहिए वो विजन जो होता है क्या वो सोच क्या रहा है वो विजन उसके जो सबोर्डिनेट्स है उनके दिमाग में डालना ये एक बड़ा काम होता है जिसके लिए कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए सो अ मैनेजर शुड हैव द गुड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन ही शुड बी अ लीडर लीडर ऐसा होता है ना कि जो बीस के साथ जाके बैठ गया बिल्कुल नहीं जो पहले उठता है और चार्ज लेता है चलो भाई आज का ये काम है इस दिशा में हमको आगे जाना है तो ऑन्ट्रोप्रोनरशिप में लीडरशिप की और मैनेजेरियल सोच की जरूरत पड़ती है स्किलफुल मैनेजमेंट अभी ये स्किलफुल मैनेजमेंट कहां से आ गया द सक्सेस ऑफ ऑन्ट्रोप्रोनरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टॉप होता है मिडिल होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है जब ये तीनों जैसी एक गाड़ी होती है चार पहिए होते हैं अगर चार पहियों वाली गाड़ी है अगर एक भी पहिया ये डिसाइड करे नहीं तुम्हारे साथ नहीं चलना मुझको तुम तुम्हारे डायरेक्शन में जाओ मैं मेरे डायरेक्शन में जाता हूँ क्या पूरी गाड़ी आगे जा सकेगी नहीं उसी तरह ये जो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं इनकी सोच एक डायरेक्शन में होनी चाहिए तो ही तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन आगे जा पाएगा अगर ये अलग अलग सोचने लगे तो ऑब्वियसली जो पूरी कंपनी है ढेर हो जाएगी तो ये ऑन्ट्रप्रोनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत है क्या कि जो उसकी मैनेजमेंट की खूबी होनी चाहिए वो काफ़ी स्किलफुल होनी चाहिए उसके बाद रिस्क बेयरिंग सीधी सी बात है क्योंकि पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था इनोवेशन इनोवेशन का मतलब क्या है कि ये लोग कुछ नई कोशिश कर रहे हैं अभी क्योंकि कुछ नया कोशिश कर रहे हैं नया सर्विस पता नहीं कितने लोग ये लेंगे पता नहीं कितने लोग ये खरीदेंगे पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगा हाँ अनसर्टेंटी काफी बड़ी होती है बट क्योंकि इनको अंतर्पूर्ण इसलिए तो कहा जाता है कि कुछ नया वो प्रोडक्ट में वो मार्केट में वो बाजार में वो इस दुनिया में लेकर आना चाहते हैं इसमें रिस्क ज़रूर होता है तो ऑंट्रप्रोनरशिप में रिस्क सहने की शक्ति क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है इफ़ दैट ऑन्ट्रप्रोनर इज नॉट केपेबल इफ़ ही इज स्केडी कैट तो ऑब्वियस है वो वो रिस्क कभी लेगा नहीं वो छलांग जो है वो कभी ले नहीं पाएगा रिस्क वेरिंग की जरूरत है फिर लास्ट में गैप फिलिंग फंक्शन बिकॉज ओके मैंने उसको बोला उसने उसको बोला उसने जब तीसरे ने चौथे को बोला बीच में कुछ गायब हो गया जब चौथे ने पांचवे को बोला उसको चाइनीस विस्पर कहा जाता है का मतलब क्या है कि जब पहले ने दूसरे को बोला और जब वो नाइन्थ एंड टेंथ तक पहुंच जाता है मतलब ही बदल जाता है विजन ही बदल जाता है सोच ही बदल जाती है ऑन्ट्रोप्रूनरशिप का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अपने तरफ से पूरी कोशिश करो कि अपना जो विशन है वो सभी तक सेम पहुंचे दोबारा या उसे ना बदले इफ द ऑन्ट्रप्रुनर जॉब टू फिल द गैप मेक मेकअप द डेफिशिएंसीज विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन कि जो भी फंक्शन है उसके अंदर फंक्शंस अलग अलग होते हैं जब भी कोई भी आप बोल सकते हो ना पॉट होल आता है जैसे रास्तों में बरसात में पॉटहोल बन जाता है तो हम कहते हैं ये बी का काम है उनको यहाँ पर पॉटहोल भर देना है तो ये पॉटहोल मैनेजमेंट लेवल में या प्रोडक्शन के स्तर पर ऑन्ट्रप्रोनरशिप की जिम्मेदारी होती है जहाँ पर भी कोई बोलता है ये वाला सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला स्टेप क्यों लेना है मुझको समझ में नहीं आया ऑन्ट्रप्रोनरशिप की ये जिम्मेदारी हो जाती है उस नॉलेज के गैप को उस ज्ञान के क्या है कमजोरी को या गायबपन को हुँ? क्या करना समझाना या उसको पूरा करना ऐसे करके हमने आठ मुद्दे पढ़े ऑन्ट्रप्रोनरशिप पे ये आठ मुद्दे आपको कैसे याद रखने हैं जैसे मैंने शुरुआत में चर्चा की थी कि जो आज का लेक्चर है हम डेडिकेट करते हैं वुमेन क्योंकि वो नहीं तो हम नहीं और उनकी सुरक्षा के लिए आए दिन खास करके पिछले कुछ दिनों में मैंने न्यूज़पेपर में इतनी काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन तो नहीं करना चाहता हूँ बट येस मन में ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो हम वातावरण देते हैं एनवायरमेंट देते हैं जो माएँ बेटियाँ बीवी बहनें हैं हमारे घरों में हमारे आसपास में वो वो बेहतर हो सके वो सुरक्षित हो सके जिम्मेदारी हमारी बनती है तो फॉर वुमेन सेफ्टी ओके ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन गो जैसे था कोरोना गो वो काम आया कि नहीं नारा मुझे नहीं पता बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन गो कंप्लीटली आ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली हमारी जिम्मेदारी कि हम किस तरह का वातावरण किस तरह का एटमोसफियर किस तरह का एनवायरमेंट जो हमारे आस पास की महिलाएं हैं उन्हें देती है सो आई होप मैसेज आपको समझ में आया है ये उस मामले में डिटेल में जाने के लिए नहीं है बट येस आपको अवेयर करने के लिए ज़रूर है हाँ तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा ये जो आठ मुद्दे थे प्रोनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वेल क्रिएटिव एक्टिविटी रिस्क बेरिंग इनोवेशन मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी स्किलफुल मैनेजमेंट ये करते हुए मुझे इंस्टाग्राम का रील याद आता है कभी हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे 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 करके रील भी बन जाए और आपका आंसर भी आपको नजर आ जाए सो so, गैप फिलिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग द एट कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिहाइंड मी होपफुली अंडरस्टूड बाय यू द मैसेज गिवन अबाउ ऑल्सो अंडरस्टूड बाय यू एट अ वेरी वेरी सीरियस लेवल ओके दैट इज इट फॉर टुडे, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए डिसलाइक करते हो कोई बात नहीं है बट उसका रीज़न ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है कोई सुझाव है कोई रिकमेंडेशन है कोई रिक्वेस्ट है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल उसके लिए भी करें नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें और पुराने हो तो हमारे सारे लेक्चर्स आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर बाँटें लेक्चर्स फ्री है लेक्चर्स शुरू से लेकर आखिर तक सारी चीजें कवर करती है तो आई होप आपका दिन बढ़िया जाए आप बड़े छोटे परिवार वाले सभी का ख्याल रखें अगली बार जब तक ना मिले आप सुरक्षित रहे गुड डे टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस फॉर ऑफ